इस वीडियो का मकसद ना ही किसी प्रकार की हिंसा और ना ही किसी प्रकार की युद्ध का समर्थन करना है। यह वीडियो सिर्फ नॉलेज और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाया गया है और वीडियो में बताए गए सभी आंकड़े इंटरनेट में आसानी से उपलब्ध है, आप अगर चाहे तो देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे कंपैरिजन सीरीज के एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम हमारे देश भारत की मिलिट्री पावर के साथ हमारे ही चार पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की सम्मिलित मिलिट्री पावर की कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे हमारी देश भारत और हमारे ही चार पड़ोसी देशों में कौन किससे आगे है। इसीलिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल की। दोस्तों, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, वही पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, श्रीलंका की दो कैपिटल्स है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो और नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। एरिया दोस्तों, भारत की टोटल एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरी दुनिया की 2% हिस्सा है और भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। वही पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की टोटल एरिया है 12,42,273 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि दुनिया के 0.7% हिस्सा है। पॉपुलेशन दोस्तों, भारत की टोटल पॉपुलेशन है 138 करोड़ से भी अधिक और भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी रहते हैं। वही पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की टोटल पॉपुलेशन है 44 करोड़ और इन चारों देशों में दुनिया की लगभग 5.58% लोग रहते हैं। जीडीपी दोस्तों, भारत की नॉमिनल जीडीपी है $3.5 trillion और भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। वही पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की टोटल जीडीपी है $862.4 billion और आईएमएफ के रैंकिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन चारों देशों की सम्मिलित जीडीपी दुनिया का 20वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था होती है। डिफेंस बजट दोस्तों, भारत की टोटल डिफेंस बजट है $70.6 billion। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 4वां सबसे ताकतवर देश है। वही पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की टोटल डिफेंस बजट है $13.62 billion और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से अगर इनको रैंकिंग दिया जाए तो इन चारों देशों की सम्मिलित डिफेंस बजट दुनिया का 20वां सबसे बड़ा डिफेंस बजट होती है। न्यूक्लियर वेपन्स दोस्तों, भारत के पास 156 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। वही पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में सिर्फ पाकिस्तान ही एक न्यूक्लियर पावर देश है और पाकिस्तान के पास 165 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। आर्मी दोस्तों, भारत के पास करीब 14,50,000 एक्टिव पर्सनल और 11,55,000 रिजर्व पर्सनल मौजूद है। वही पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के पास 11,50,000 एक्टिव पर्सनल और 5,05,000 रिजर्व पर्सनल मौजूद है। लैंड फोर्सेस दोस्तों, भारत के पास 4,614 टैंक्स, 12,000 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 3,311 टॉयड आर्टिलरी और 1,338 रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद है। वही पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के पास 3,329 टैंक, 11,664 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 716 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 1,754 टॉयड आर्टिलरी और 651 रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद है। एयरफोर्स दोस्तों, भारत के पास टोटल 2,182 एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिनमें 564 फाइटर एयरक्राफ्ट, 130 अटैक एयरक्राफ्ट, 6 टैंकर एयरक्राफ्ट, 253 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 808 हेलीकॉप्टर्स और 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद है। वही पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के पास टोटल 1,677 एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिनमें 406 फाइटर एयरक्राफ्ट, 90 अटैक एयरक्राफ्ट, 4 टैंकर एयरक्राफ्ट, 89 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 438 हेलीकॉप्टर्स और 66 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद है। नेवी दोस्तों, भारत के पास टोटल 295 नेवी शिप्स मौजूद है,
जिनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 13 फ्रिगेट्स, 22 कॉर्वेट्स और 17 सबमरीन मौजूद है, जिनमें न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल है। वही पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के पास टोटल 501 नेवी शिप्स मौजूद है, जिनमें 0 एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 डिस्ट्रॉयर्स, 18 फ्रिगेट्स, 8 कॉर्वेट्स और 11 सबमरीन मौजूद है, जिनमें किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। तो दोस्तों, ये थे हमारे देश भारत और हमारे ही चार पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के बीच एक मिलिट्री पावर कंपैरिजन। आपका क्या विचार है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।